Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna be sharing hair mask with you. ये जो हेयर मास्क है इससे आपके बाल जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और बालों को कंडीशन मिलेगा. किसी जिनके फ्रिजी हेयर्स होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और जिनका स्कैल्प स्टिकी और ऑयली होता है वो भी ठीक हो जाएगा. बहुत सारे बेनिफिट्स है इस हेयर मास्क के. सो लेट अस सी कौन कौन से प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स जो है इस हेयर मास्क में लगते हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंडीशनर. मैंने वाव का कंडीशनर यूज़ किया था बिकॉज जब मैं उसे एज अ कंडीशनर हेयर धोने के बाद यूज़ कर रही थी इट डिडंट वर्क फॉर मी वेल. सो वन फाइन डे मैंने सोचा कि इसे मैं एज अ DIY हेयर मास्क की तरह यूज़ करूँ एंड इट रियली वर्क वेल फॉर मी इन दैट वे. तो मैंने वाव का हेयर कंडीशनर लिया था. आप चाहे तो दूसरा कोई सा भी कंडीशनर ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली. सो कंडीशनर जो है वो अपना कंडीशन का काम करेगा. जो बाल है उसको वो फ्रिज फ्री कर देगा, स्मूथ कर देगा एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ऑलिव ऑयल. एंड ऑलिव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स है एज वी ऑल नो दैट. उसको हम हेयर में भी लगा सकते हैं, स्किन में भी लगा सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर. तो मैं उसके हेयर बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ जिनको नहीं पता है. जो ऑलिव ऑयल है वो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, आपके बालों को बढ़ने में हेल्प करता है, बेसिकली हेयर लॉस को भी वो प्रिवेंट करता है और डीप हेयर कंडीशन की तरह भी वो काम करता है. और जिनके फ्रिजी बाल होते हैं जैसे मैंने कहा तो वो उसे भी ठीक करने में हेल्प करता है ऑलिव ऑयल. और बालों में शाइन प्रोवाइड करता है ऑलिव ऑयल. और जो स्प्लिट एंड्स है उसे भी वो रिड्यूस करता है और डैंड्रफ को भी वो रिड्यूस करता है या डैंड्रफ होने से प्रिवेंट करता है. जिनका स्कैल्प बहुत इची होता है तो वो उसे भी ठीक करने में हेल्प करता है. और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आमंड ऑयल. आमंड ऑयल को भी हम फेस पे भी लगाते हैं और बालों के लिए भी इट वर्क्स वंडर्स. तो हम बालों के लिए वो कैसे काम करता है या क्या काम करता है उसके भी बेनिफिट्स देख लेते हैं. तो जो आमंड ऑयल है वो बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्गर और शाइन प्रोवाइड करता है. बालों में जो डैंड्रफ और जो स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होता है वो उसे भी ठीक करता है और बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं वो उसे भी स्मूथ करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है. और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है नटमेग ऑयल. नटमेग को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. आई थिंक उसे आई जस्ट डोंट रिमेम्बर से हिंदी में क्या कहते हैं. तो जो नटमेग होता है वो गरम मसालों की तरह यूज़ होता है हमारे किचन में. गोल सा दिखता है, मैं आपको फोटो इंसर्ट कर दूंगी वीडियो में. तो जो नटमेग ऑयल है उसे भी फेस पे लगाते हैं बट मैंने कभी उसे फेस पे नहीं लगाया. सो आई डोंट नो वो कैसे वर्क करेगा फेस पे, बट हाँ बालों में मैंने उसे डाइल्यूट करके लगाया है. तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली अपने फेस या हेयर पे मत लगाइए, उसे हमेशा डाइल्यूट करके लगाइए किसी दूसरे ऑयल में. फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल में आप डाइल्यूट कर दीजिए या ऑलिव ऑयल में आप डाइल्यूट कर लीजिए या आमंड ऑयल में आप डाइल्यूट कर लीजिए. नटमेग एसेंशियल ऑयल जो है उसके भी बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ. जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प में, वो इसे स्टिमुलेट करता है जिससे हेयर ग्रोथ होती है. नटमेग में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है. किसी के स्कैल्प में अगर कुछ इचीनेस है या कुछ दूसरे इन्फेक्शन है तो वो भी क्योर हो सकते हैं. और जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लैवेंडर ऑयल. हमें लैवेंडर ऑयल के बारे में बहुत कुछ पता है कि लैवेंडर ऑयल जो है वो साउंड स्लीप है उसे वो प्रमोट करता है. लाइक मुझे जब भी हेडेक होता है मैं लैवेंडर ऑयल को अपने कानों के पीछे लगा लेती हूँ या सर पे लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ. बहुत अच्छी नींद आती है. इवन अगर मुझे नींद नहीं भी आ रही है तो मैं कान के पीछे लगा लेती हूँ तो उससे अच्छी नींद और बहुत कामिंग इफेक्ट मिलता है. उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि बहुत ही गुड वाइब्स आती है उससे. जो लैवेंडर ऑयल है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. लैवेंडर ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है. तो वो मान लो किसी को इचीनेस है स्कैल्प में या किसी को डैंड्रफ है तो वो उसे ठीक करती है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ही कामिंग इफेक्ट आपके हेड को मिलता है. तो अगर आप उसे मसाज भी कर रहे हैं तो इट विल वर्क ग्रेट फॉर यू. तो इसका हम एक ट्यूटोरियल देख लेते हैं. सो लेट्स सी द ट्यूटोरियल. सो एज यू कैन सी माय हेयर लुक्स रियली डल बट आई हैव एन आइडिया. सो विल टेक अ वाव कंडीशनर एंड
I'm gonna take 3 to 4 spoons of this conditioner. You can take conditioner according to your hair length. Now I'm gonna pour 3-4 drops of nutmeg oil, 3-4 drops of lavender oil, 1/2 spoon of almond oil, 1 spoon of olive oil. Now I'm gonna comb my hair properly so that all the tangles from my hair get removed. Now I'm gonna apply that mask onto my hair. So I'm gonna start with my scalp first and then I'm gonna go with roots. अगर आप ये हेयर मास्क जो है स्कैल्प में नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट जो रूट्स है जहाँ पे स्प्लिट एंड्स होते हैं या ड्राई होते हैं हमारे बाल, वहाँ आपको ज़्यादा लगाना है और अच्छी तरह से लगाना है। सो एज़ यू कैन सी, मैं अब नीचे की साइड जो बाल है, लाइक जो रूट्स वाले बाल है, उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, बिकॉज ये ही मेन है, यहीं पे हमारे ड्राई हेयर और स्प्लिट एंड्स होते हैं जहाँ पे ये कंडीशनर अच्छे से वर्क करेगा। सो नाउ आई एम डन विथ माय मास्क थिंग एंड नाउ आई एम गोना टाई माय हेयर एंड लीव दैट फॉर 10 to 20 minutes. सो आई हैव वॉश्ड माय हेयर विथ ट्राई क्लेंस शैम्पू। आप कोई भी दूसरा माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये जो शैम्पू है मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था और मैंने उसके बाद मेरे बालों को एयर ड्राई होने दिया एंड एज यू कैन सी मैं अब उसे डिटैंगल कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट आई एम गोना अप्लाई फ्लो केयर सीरम। आप कोई सा भी दूसरा सीरम लगा सकते हैं अपने बालों पे, और ये आधे ड्राई और आधे सूखे बाल में भी आप लगा सकते हो, बट मैं अभी लगा रही हूँ, डजेंट मैटर। और उसके बाद मैं फिर से अपने बालों को कॉम कर लूँगी एंड एज यू कैन सी माय हेयर लुक्स मच बेटर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड माय हेयर लुक्स नरिश्ड, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग। एंड मेरे को जो इचीनेस होती थी स्कैल्प में और जो ऑयली लगता था वो भी नहीं लगा एंड हियर इज़ द लुक ऑफ माय हेयर। माय हेयर फील्स सॉफ्ट एंड वॉल्यूम भी आ चुका है मेरे बालों में एंड व्हाट एल्स आई शुड से, आपको तो रिजल्ट दिख ही रहा है। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आई डिडंट यूज़ कंडीशनर आफ्टर शैम्पू, बिकॉज कंडीशनर हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ मास्क। So with that our video completes and I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा। If you want to see more such videos like this, just comment down below. And अगर आपको कोई queries है तो आप मुझे Instagram में DM कर सकते हैं। So with that it's a wrap. I will see you all super soon in my next video. Till then bye, take care, stay happy and spread happiness.